दोस्तों नमस्कार, आपके अपने डिजिटल मंच बुंदेली हलचल पर आपका स्वागत है। और गणेश महोत्सव की धूम चारों तरफ है। सागर शहर कई जगह गणेश पंडाल सजाए गए हैं। वैसे ही एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है गोपालगंज श्रीराम नगर में, एक गणेश पंडाल अद्भुत झांकी के लिए पहचान बना रहा है। तो आज हम खड़े हैं उसी पंडाल में और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे श्री बद्रीनाथ मंदिर की थीम पर गणेश पंडाल तैयार किया गया है। और हमारे साथ समिति के कई सारे सदस्य, उनसे हम इस पंडाल के जो आकर्षण का केंद्र है प्रतिमा, सीमा से भी जुड़ी एक बहुत बड़ी एक रहस्य की बात है जो बताएंगे हमें समिति के सदस्य। तो हम पूछते हैं, गगन है हमारे साथ। स्वागत है बुंदेली हलचल में। और ये जो थीम आपने तैयार की है इस गणेश पंडाल में, उसको लेके हमें थोड़ी सी हमारे दर्शकों को जानकारी। सबसे पहले सभी को कृष्ण होता भगवान की जय, गणेश भगवान जी। ये श्रीराम नगर गणेश उत्सव समिति द्वारा लगातार तो लगभग 13 वर्ष से गणेश प्रतिमा जो है विराजमान की जा रही है। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा जो प्रतिमा का मुख्य आकर्षण का केंद्र है वह है गणेश प्रतिमा, श्री विघ्नहर्ता भगवान की प्रतिमा। जबलपुर के विशेष कलाकारों द्वारा शुद्ध मिट्टी एवं नर्मदा जल से निर्मित की जाती है, जो कि शुद्ध मिट्टी की होती है। और दूसरा मुख्य आकर्षण का केंद्र है बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर बनाया हुआ गणेश पंडाल जी। तो आपने देखा कि जो गणेश प्रतिमा बनी है शुद्ध मिट्टी और नर्मदा जल से बनी हुई प्रतिमा है और जबलपुर से प्रतिमा लाई गई है। और 13वां वर्ष है शायद, ये 13वां सफलतम वर्ष है। और इसी के साथ आप सभी लोग बुंदेली हलचल से जुड़े रहे। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी आकर्षण का केंद्र है, ऐसा कोई गणेश पंडाल है जिसमें कुछ अनोखी प्रतिमा सजाई गई है, तो हमें जरूर बताएं, हम आप तक आएंगे और बुंदेली हलचल के माध्यम से आपके पंडाल की न्यूज को कवर करेंगे। प्रदेश और शहर की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल बुंदेली हलचल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।